बच्ची बाजार में मछली बेच रही थी तभी उसके पेट में दर्द हो गया। इसके बाद वह जीन को जन्म देते हुए जमीन पर लेट गई। उसने गर्भनाल को काटकर मछली में फेंक दिया। फिर वह मछली बेचने के लिए फिर से उठी। बच्चों के रोने की आवाज सभी ने सुनी। जीन के रोने से उसकी जान बच गई, लेकिन हत्या के आरोप में लड़के की माँ को मौत के घाट उतार दिया गया। जीन अभी अभी पैदा हुआ था जिससे दूसरों की मौत हुई। फिर जीन को अनाथालय ले जाया गया। जेलेट ने लड़के को गोद लिया था। हर कोई सोचता है कि जीन आज रात मर जाएगी, लेकिन जीन ने अपनी उंगली ली और इसे सूंघने के लिए अपनी नाक तक लाया। सभी को पता चल गया कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। लड़का जमीन पर पड़े पत्ते नाशपाती को सूंघ सकता था, यहाँ तक कि चूहे और चींटी के शव भी। लड़का इन सुगंधों को अच्छी तरह याद कर सकता है। पता चला जीन में गंध सूंघने की क्षमता है। 13 साल की उम्र में वह लकड़ी, घास, चट्टानों, पानी की गंध सूंघने में सक्षम था, यहाँ तक कि पानी में मेंढक। इस बिंदु पर जेलेट ने जीन को बेच दिया। सौदेबाजी के बाद किलाड को $7 मिले, लेकिन तभी डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। वहीं एक और शख्स की मौत हो गई। निर्माण स्थल पर जीन दिन में 16 घंटे काम करता है। बॉस बहुत संतुष्ट था, उसने जीन को बाहर जाने का फैसला किया। बाजार में वह कई तरह की अगरबत्तियां सूंघ सकता है और उन्हें याद कर सकता है। अचानक जीन को एक अजीबोगरीब गंध सूंघी। यह खुबानी बेचने वाली लड़की निकली। यह सुगंध बहुत अद्भुत होती है। जीन वहां सूंघने जाता है। जीन ने उसका पीछा एक गली में किया। उसने लड़की का हाथ उठाया और उसे सूंघा, लेकिन वह डर गई और भाग गई। लेकिन जीन चुपचाप उस लड़की के पीछे भागा। यह सुगंध बहुत अद्भुत होती है। जीन से सिर से पांव तक बदबू आ रही थी। लड़की मुड़ी फिर चिल्लाई। जीन ने लड़की का मुंह ढक दिया। इसी दौरान दो लोग वहां से गुजरे। जीन ने लड़की का गला दबाना जारी रखा। जब वे चले गए तो लड़की को जीन ने मार डाला। उसने जल्दी से उसके कपड़े उतारे। वह सिर से पांव तक महक रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह खुशबू गायब हो गई। जीन बहुत अधीर था। उसे यह सीखना होगा कि अद्भुत सुगंध को कैसे बनाए रखा जाए। वह इत्र की दुकान के मालिक को खोजने गया। यह इत्र की दुकान बंद कर दी गई है क्योंकि प्रतिस्पर्धी ज्यादा सुगंधित परफ्यूम बनाते हैं। वाल्डिनी के सामने जीन था, तुरंत एक और इत्र अधिक सुगंधित कर रहा था। इसे सूंघने के बाद वाल्डिनी को बहुत खुशी हुई, जैसे उसे उसके पहले प्यार ने चूम लिया हो। अगली सुबह वाल्डिनी ने जीन को खरीदने के लिए $50 का इस्तेमाल किया। वह बहुत खुश है क्योंकि वह बहुत कमाता है, लेकिन उस रात उसने बाहर जाने के लिए $50 लिए। घर के रास्ते पर परिणाम हो गया, एक और व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जीन ने बाल्डिनी को तुरंत अपने शिक्षक के रूप में स्वीकार कर लिया। इतर की दुकान ने खूब माल बेचा। लोग परफ्यूम खरीदने के लिए लाइन में लगे हैं। मालिक ने जीन को गुलाब के तेल का आसवन करना भी सिखाया। अंत में जीन ने पहली बूंद डाली। जीन बहुत खुश हैं। वह गंध को बचाने के लिए बिल्लियों और कुत्तों को मारने गया, लेकिन असफल रहा। वाल्डिनी को लगता है कि जीन पागल है। उसने कहा कि वह अब जीन को नहीं पढ़ा सकता। उसने जीन को इतर की राजधानी क्रास जाने के लिए कहा। आवश्यक तेलों को अलग करने का एक और तरीका है, लेकिन जाने से पहले जीन को परफ्यूम की 100 रेसिपी लिखनी थी। जीन के लिए यह पाई जितना आसान था। लिखने के बाद वह चला गया। वाल्डिनी हाथ में किताब लेकर सो गई। यह उनके जीवन का सबसे खुशी का दिन था। अप्रत्याशित रूप से जीवन का अंतिम दिन भी है। हेज, एक और व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रास में पहुंचकर जीन को परफ्यूमरी डिस्टिलरी में स्वीकार कर लिया गया। उसने अपनी योजना भी शुरू कर दी। यह परफ्यूम बनाने के लिए जवान लड़कियों के शरीर का इस्तेमाल कर रहा है। जीन ने लड़की के शव को कांच के जार में भिगोया। जीन ने उस सार को ग्रहण करना शुरू कर दिया, लेकिन जीन एक बार फिर फेल हो गए। जीन फूल बेचने वाली लड़की को खोजने के लिए सड़क पर गई। मुझे तुम्हारे साथ रहने के लिए कितना भुगतान करना होगा? इस बार जीन ने एक नया तरीका अपनाया। उसने लड़की के हाथ पर चर्बी लगाई। लड़की ने सोचा कि जीन का कोई खास शौक है, इसलिए वह बहुत दिलचस्पी ले रही थी। लेकिन जब उसने जीन को चाकू पकड़े देखा तो वह घबरा गई। वह खड़ी हुई और जीन पर पैसे फेंके। यहाँ से चले जाओ। जीन ने लड़की के बाल काटे, फिर लड़की को कपड़े में लपेट दिया। उसके बाद उन्होंने एक रेजर का इस्तेमाल परत दर परत तेल को खोजने के लिए किया। बाल भी बेहद जरूरी हैं। फिर जीन ने कांच के जार से बैरल में पानी डाला। अच्छी तरह हिलाओ, प्रशिक्षण शुरू करने के लिए जार में डाल दो। थोड़ी देर बाद सार की बूंदे बह निकली। जीन ने सूंघने के लिए इसे अपनी नाक तक लाया। यह सफल रहा। वह उन्मत्त अभिनय करने लगा। जीन 13 फूलदान तैयार करता है। वह इन 13 मर्तबानों को भरना चाहता है।
एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद, ज्यादा से ज्यादा। कस्बे की लड़कियां असामान्य रूप से गायब हैं। गायों का दूध दुहने वाले लोग हैं, चरवाहे। जीन द्वारा पकड़ी गई लड़कियां सभी कच्ची सामग्री बन जाती हैं। कस्बे में आए दिन बच्ची की लाश मिलती है। प्रत्येक शरीर में समान गुण होते हैं। इनके शरीर पर बाल नहीं होते हैं। रईसों ने प्रतिबंध जारी किया। उन्होंने हर घर को एक बंदूक दी, लेकिन उन्होंने कभी जीन का फिगर नहीं देखा था। सभी को लगा कि यह शैतान का काम है। केवल एंटोनी ने ऐसा नहीं सोचा था। जांच के नतीजों से पता चला कि उनके साथ रेप नहीं हुआ था। उन्होंने सिर्फ अपने बाल कटवाए थे और कपड़े नहीं थे। एंटोनी ने अनुमान लगाया कि वह कुछ इकट्ठा कर रहा होगा। उसने सही अनुमान लगाया। जीन सुगंध एकत्रित कर रहा है। वह पहले ही 12 बोतलें भर चुका है, केवल आखिरी बची है। जीन को अपना लक्ष्य मिल गया है। यह एंटोनी की बेटी लॉरे थी। एंटोनी को अपनी बेटी के बेडरूम का दरवाजा खुला मिलता है। उसने तुरंत लॉरे को छुपा लिया। जब वह और लॉर एक साथ गए तो समूह आधा वहां था। फिर वह लॉरे को एक मोटल में ले गया। उसने बाहर चट्टान वाला एक कमरा भी चुना। जीन ने देखा कि लॉरे की गंध लुप्त होती जा रही है और उसने पीछा किया। सूंघने की अपनी क्षमता के कारण जीन को लॉरे का मोटल मिल गया। आधी रात में जीन ने खिड़की खोली और अंदर चला गया। वह कुत्ते के पीछे से सराय के मालिक के पास से लॉरे के कमरे में गया। वह हिट करने के लिए तैयार है, लेकिन लॉरा फिर से पलट गया। लड़की ने आंखें खोली और जीन की ओर देखा। यही जीने की इच्छा है, लेकिन जीन के लिए जीने की यह इच्छा केवल आवश्यक तेल की कुछ बूंदे हैं। जीन ने दुनिया का सबसे सुगंधित परफ्यूम बनाया। अगली सुबह एंटोनी लॉरे का कमरा खोलने आया। लॉरे का शव देखकर उनका दिल टूट गया। फिर खबर आई, जीन के बॉस को पता चला कि जीन ही हत्यारा था। जीन के कमरे में उन्हें पीड़िता के काफी बाल और कपड़े मिले। गार्ड को जीन मिला। उसे अंजाम देने के लिए ले जाया गया। मंच के नीचे सभी जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। मजिस्ट्रेट ने गुस्से से घोषित किया, लोहे की रॉड से पीट पीट कर मार डाला। लोगों को इससे इतनी नफरत क्यों हुई? पता चला कि जीन ने परफ्यूम बनाने के लिए 13 लड़कियों को मार डाला था। फांसी के दिन भीड़ चींटियों की तरह इकट्ठी हो गई। सबने उस कातिल को कोसा जिसने कातिल को मारा। वे इस शैतान को अपनी आंखों से मरते हुए देखना चाहते थे। हालांकि एक चमत्कारिक रंग हुआ। जीन को एक लग्जरी गाड़ी में ले जाया गया। उसने आलीशान कपड़े पहने और कार से उतर गया। सभी तुरंत शांत हो गए। सैनिकों ने भी घुटने टेक कर सलामी दी। वह ऊंचे चबूतरे पर चढ़ गया। मूसल धारण करने वाले ने भी घुटने टेके। आसपास के सभी लोग हैरान रह गए। यह व्यक्ति दोषी नहीं है। जीन ने एक रुमाल निकाला और उस पर इत्र टपका दिया। उसने अपना हाथ लहराया, सभी ने इस सुगंध को सूंघा। हर कोई मंत्रमुग्ध है। वे जीन के साथ पूजा करने लगे। उनमें से एक चिल्लाया, यह व्यक्ति हत्यारा नहीं हो सकता। वह एक देवता है, एक देवदूत है। इसके बाद सभी एक दूसरे को गले लगाने लगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दूसरे पक्ष को जानते हैं या नहीं। उन सभी ने अपने कपड़े उतार दिए और एक साथ कसकर लिपट गए। पुजारी भी नहीं बचा। अगले दृश्य की कल्पना कीजिए। इस समय गुस्से में एंटोनी दौड़ पड़ा। उसके हाथ में चाकू था, लेकिन जब उसने जीन को देखा तो उसने घुटने टेक दिए और जीन को अपना बेटा मान लिया। यह सब देखकर जीन ने खुबानी बेचने वाली छोटी लड़की के बारे में सोचा। वह फूट फूट कर रोने लगा, फिर चला गया। सुबुगाहट भी खत्म हो जाती है। चौक में सब जाग गए। वे कपड़े पहने और जल्दी से चले गए। लोग इस शर्मनाक कहानी को दोहराना नहीं चाहते। उन्होंने उस बॉस को गिरफ्तार कर लिया जिसने जीन को हत्यारा बताया था। उसे फांसी के मैदान में ले जाया गया। जीन फिर अकेला चल रहा था। बस बचा हुआ इतर ही उसे राजा बना देता है। जीन लोगों से भगवान के रूप में उनकी पूजा करवा सकते हैं। यहाँ तक कि पूरी दुनिया को जीत लिया। हालांकि उनकी यादें उन्हें उस स्थान तक ले जाती हैं जहाँ उनका जन्म हुआ था। यह एक बदबूदार मछली बाजार है। उसने अपने पूरे शरीर पर इतर उंडेल दिया। सभी ने जीन की ओर ऐसे देखा जैसे किसी देवता का प्रकाश देख रहे हों। देवदूत, मैं आपसे प्यार करती हूँ। सभी जीन की ओर दौड़ पड़े। सभी ने जीन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। भीड़ तितर बितर हो गई, केवल जीन के कपड़ों के टुकड़े रह गए। जीन दुनिया से गायब हो गया था, जैसे कभी दिखाई ही न दिया हो। जीन ने आत्महत्या क्यों की? जीन ने सिर्फ 13 बोतल परफ्यूम बर्बाद किया जिसे बनाने में उसने इतनी मेहनत की थी। गौर से देखेंगे तो जो सूक्ष्म है वे नोटिस करेंगे। क्या आपने ध्यान दिया?